हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को अपने फ़ोन में ब्लूटूथ में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ पे जब भी आप अपने फ़ोन से एक दूसरे फ़ोन में यहाँ पे कोई भी फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ से, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, या तो फिर और कुछ भी आपको जो है ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सभी लोगों को जो है इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को जो है एक बार ऑन करके या तो फिर एक बार ऑफ़ करके फिर से ऑन कर देना है। उसके बाद गाइज, आपको दोबारा से इसको जो है यूज़ करके देखना है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है फिर भी, तो आपको नेक्स्ट ट्रिक अप्लाई करना है, और अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज। तो यहाँ पे आपको, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, फिर से इस तरीके से आपने बंद करके इस तरीके से फिर से चालू किया फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कनेक्शन एंड शेयरिंग का, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है रिसेंट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे नीचे में रिसेंट सेटिंग करके ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको जो है रिसेंट सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली सा अपने फ़ोन का पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है, जिसके बाद आपके फ़ोन में ब्लूटूथ का जो भी सेटिंग रहेगा वो रिस्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप सभी लोग जो है इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।